एक राशन डीलर है बहुत ही आजागीर का, उसकी दुकान छोटी पड़ रही थी, बड़ी दुकान के लिए उसने एक एप्लीकेशन लगाई प्रवर्तन अधिकारी हरलाल मीणा उसके यहाँ। 4 अगस्त को उन्होंने एप्लीकेशन लगा दी, उसके बाद उसको चक्कर लगवा रहे थे, फिर उन्होंने आखिर में कहा कि साहब चाहते क्या हो कि कुछ खर्चा पानी करना पड़ेगा, तो उन्होंने एक प्रार्थना पत्र 18 तारीख को हमारे यहाँ आके कार्यालय में दिया कि साहब रिश्वत की मांग करें, मैं कार्रवाई करवाना चाहता हूँ। जब उनसे बात करवाई सत्यापन तो उन्होंने कहा कि वो बात हो गई, प्रकाश को कह दिया, प्रकाश और आप जो भी राजी मन से कर दो वो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। गए फिर प्रकाश का फ़ोन आया परिवादी के पास, तो दोबारा परिवादी आया कि साहब वो प्रकाश फ़ोन कर रहा, तो प्रकाश से मोबाइल पे बात करवाई तो उसने कहा भाई काम के पैसे लगेंगे, नहीं तो चक्कर काटता रहे, कईयों के काम अटके पड़े हैं। तो कहा बताओ कितना करना पड़ेगा, तो कहा 4,000 रुपये कम से कम करने पड़ेंगे, अभी तो साहब रक्षाबंधन पे गए हैं, वो आएंगे तब मैं आपको फ़ोन करूँगा। परिवादी को हिदायत दी गई कि जब दोबारा वो आपसे संपर्क करे तो आप यहाँ कार्यालय में हाजिर हो या हमें जरिए मोबाइल सूचित करें। कल परिवादी ने कहा साहब मेरे को आज बुलाया तो कार्यालय में आया, आगे की कार्रवाई करते हुए आज 4,000 रुपये लेते हुए इसके दलाल है प्रकाश, उसको रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उसने कहा साहब मैं तो हरलाल जी के लिए ले रहा हूँ, हरलाल जी से मोबाइल पर बात कराई कि साहब वो बहुत ही जागीर वाले परिवादी के पैसे आ गए, तो कहें यूँ करके उसने फ़ोन काट दिया। फिर ये कार्यालय में थे, वहाँ से इनको भी दस्तियाब करके ले आए और आगे की कार्रवाई चल रही है।